आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान के संबंध में। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के पूर्व ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, जिसमें जिम्मेदारी प्रथा भी थी। तो उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 प्रतिकर मुआवजा और पुनर्अनुदान दोनों को दिए जाने का प्रावधान करता है। प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान वास्तव में दोनों मिलकर ही उन मध्यवर्तियों को मुआवजा दिलाते हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने हस्तगत कर ली है। किसी संपदा का स्वामी जब उस संपदा से वंचित किया जाता है, उसके बदले में जो रकम उस स्वामी को दी जाती है तो उसे प्रतिकर या मुआवजा कहा जाता है। पुनर्वास अनुदान का उद्देश्य है कि जिन मध्यवर्तियों को एक कार्य एवं पेशे से हटा दिया गया है, उन्हें पुनः स्थापित किया जाए और उन्हें ऐसा अवसर दिया जाए कि वे अपने जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन जुटा सके, अपने आप को पुनः उत्पादन कार्यों में लगा सके और अपने जीवन को नई दिशा प्रदान कर सके। छोटे जिम्मेदारों को सबसे ज्यादा और उसमें से बड़े जिम्मेदारों को कम और बड़े जिम्मेदारों को सबसे कम पुनर्वास अनुदान का प्रावधान था। तो साथियों इस टॉपिक को हम यानी कि प्रतिकर यानी मुआवजा और पुनर्वास अनुदान के अंतर को जब समझेंगे तो पूरी तरह से बात स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों आइए इसको व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। साथियों इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इसको व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 प्रतिकर एवं पुनर्वास अनुदान। प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान उन्हीं मध्यवर्तियों को दे है जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने हस्तगत कर ली है, तथापि दोनों में निम्नलिखित अंतर है। कहने का मतलब है प्रतिकर और पुनर्वास उन्हीं जिम्मेदारों को दी जाएगी जो जिनकी जिम्मेदारी सरकार ने हस्तगत कर ली है, यानी कि सरकार ने छीन ली है। तो इसमें प्रतिकर और पुनर्वास में जो अंतर है उसको हम समझेंगे। तो नंबर एक है, ये सब जिम्मेदारों को दिया जाता है, ठेकेदार भी प्रतिकर पाने के अधिकारी की हैं। कहने का मतलब है ये सभी जिम्मेदारों को दिया जाएगा और इसमें ठेकेदार जो हैं वो भी पाने के अधिकारी हैं, वो भी पाने के हकदार हैं। जो प्रतिकर है वो पाने के हकदार हैं, ठेकेदार भी। और अब देखते हैं पुनर्वास अनुदान है, यह केवल जिम्मेदारों को होते हैं किंतु ठेकेदारों को नहीं। जो पुनर्वास अनुदान है वो केवल जिम्मेदारों को दिया जाएगा और जो ठेकेदार थे, जो बिचौलिया थे, उनको नहीं दिया जाएगा। धार्मिक या दानार्थ वक्त न्यास धर्मदायों को छोड़कर 10,000 रुपए से अधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले जिम्मेदार है उनको पुनर्वास अनुदान नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो धर्मदाय हैं, धानार्थ हैं या वक्फ हैं, न्यास हैं, इनको छोड़कर जो जिम्मेदार 10,000 से अधिक वार्षिक लागान मालगुजारी देने वाले जिम्मेदार हैं उनको पुनर्वास अनुदान नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर दो है, ये समान दर से दे है। जो प्रतिकर है वो समान दर से दे है और जो पुनर्वास अनुदान है वह यह क्रमिक मान पर 1 से 20 गुना दे है, यानी 1 से 20 गुना दे है, अर्थात छोटे जिम्मेदारों को अपेक्षाकृत अधिक और बड़ी जिम्मेदारों को कम दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर तीन है, प्रार्थना पत्र आवश्यक नहीं है। जो प्रतिकर है उसमें जिम्मेदार को, ठेकेदार को प्रार्थना पत्र देना आवश्यक नहीं है, परंतु
जो पुनर्वास अनुदान है उसमें प्रार्थना पद दिया जाना अति आवश्यक है। जो पुनर्वास अनुदान है उसके लिए जिम्मेदार को प्रार्थना पत्र देना अति आवश्यक है। बिना प्रार्थना पत्र के पुनर्वास अनुदान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर चार है, यह 1 जुलाई 1952 ईस्वी अर्थात निहित होने के दिनांक से देय है। यानी कि जो प्रतिकर है वो 1 जुलाई 1952 ईस्वी अर्थात निहित होने के दिनांक से देय है। यानी कि जिस दिन से प्रतिकर लागू हुआ है उस दिन से देय है। कुछ वक्फ न्यास और धर्मदायों को छोड़कर यह उस दिन से देय है जिस दिन से प्रतिकर का अवधारण किया गया है। जो पुनर्वास अनुदान है वो कुछ वक्फ न्यास और धर्मदायों को छोड़कर यह उस दिन से देय है जिस दिन से प्रतिकर का अवधारण किया गया है। अब देखते हैं नंबर पांच है, इसमें अंतरिम प्रतिकर का प्रावधान है। इसमें जो है जो प्रतिकर है उसमें अंतरिम प्रकृत का प्रावधान है। और यहां पे देखते हैं नंबर पांच में पुनर्वास अनुदान में क्या है, पुनर्वास अनुदान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब देखते हैं नंबर छह है, प्रतिकर के लिए अंतरण मान्य होगा। जो प्रतिकर है उसके लिए अंतरण मान्य होगा। यदि कोई अपनी भूमि का विक्रय या दान कर देता है तो वो मान्य होगा, परंतु 1 जुलाई 1948 को या उसके बाद विक्रय या दान द्वारा किया गया किसी जिम्मेदार का अंतरण पुनर्वास अनुदान के लिए मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है 1 जुलाई 1948 को या उसके बाद विक्रय या दान द्वारा किया गया किसी जिम्मेदार का अंतरण पुनर्वास के यानी पुनर्वास अनुदान के लिए मान्य नहीं होगा। यदि अंतरण विक्रय या दान द्वारा नहीं किया गया है तो वह मान्य होगा। कहने का मतलब है 1 जुलाई 1948 को यदि किसी जिम्मेदार ने विक्रय या दान द्वारा अपना अपनी जिम्मेदारी अंतरित कर दी है तो वो पुनर्वास अनुदान के लिए मान्य नहीं होगा, उसको पुनर्वास अनुदान नहीं मिलेगा। और यदि किसी ने विक्रय दान के अतिरिक्त किसी प्रकार से अंतरण किया है यानी कि वसीयत वरासत या गोदनामा के आधार पर अंतरण किया है तो उसको पुनर्वास अनुदान मिलेगा। अब देखते हैं नंबर सात है, प्रतिकर अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील जिला जज और दूसरी अपील उच्च न्यायालय में होती है। यानी जो प्रतिकर का अधिकारी है जो आदेश करता है उससे क्षुब्ध व्यक्ति अपील जिला जज के यहां करेगा और दूसरी अपील उच्च न्यायालय में कर सकता है। अब देखते हैं सातवें में पुनर्वास अनुदान में क्या बताया गया है, पुनर्वास अनुदान अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील जिला जज के यहां होगी और दूसरी अपील नहीं होगी, केवल पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय में दायर होगी। कहने का मतलब है जो पुनर्वास अनुदान अधिकारी उसके आदेश के खिलाफ अपील जिला जज के यहां होगी और दूसरी अपील नहीं होगी, केवल पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं नंबर आठ है, जिम्मेदारी उन्मूलन प्रतिकर बांड पर निहित होने के दिनांक से 2/1/2 वार्षिक ब्याज मिलेगा। यानी 2.5% ब्याज मिलेगा जो जिम्मेदारी उन्मूलन प्रतिकर बांड पर निहित होने के दिनांक से, जो जिम्मेदारी प्रतिकर का बांड है निहित दिनांक से उस पर 2.5% वार्षिक ब्याज लगेगा। लेकिन पुनर्वास अनुदान में क्या बताया गया है, जिम्मेदारी उन्मूलन पुनर्वास अनुदान बांड पर ब्याज नहीं मिलेगा। जो पुनर्वास अनुदान है उस पर यदि पुनर्वास अनुदान का बांड है तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर नौ है, बांड की ब्याज सहित धनराशि को 40 किस्तों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ष एक किस्त का भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब है जो बांड है
बांड सहित जो ब्याज है उसको 40 किस्तों में बांटा गया है और समान किस्तों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ष किस्त का भुगतान किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष एक किस्त का भुगतान किया जाएगा। परंतु पुनर्वास अनुदान में नंबर 9 में क्या बताया गया है, पुनर्वास अनुदान में बांड की धनराशि 25 वर्षों में बराबर किस्तों में दी जाती है। जो पुनर्वास अनुदान है उसको 25 किस्तों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ष एक किस्त दी जाएगी। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में प्रतिकर यानी मुआवजा और पुनर्वास अनुदान के संबंध में दिए गए प्राविधानों के संबंध में, और यह भी जाना कि प्रतिकर यानी मुआवजा और पुनर्वास अनुदान में क्या अंतर है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना ही हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा या कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।